हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं डेजी और लिली के साथ और एक न्यू स्टोरी के साथ, पेपर्स रॉयल पार्टी। तो लिली, चलो स्टोरी शुरू कर दे। हाँ। पेपर्स रॉयल पार्टी तो बहुत रॉयल दिख रही है। लिली, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम क्या देख सकती हो? वो भी मम्मी पिक के लिए। हाँ, तुमने सही कहा। लिली, ये लेटर किसकी तरफ से आया होगा? मुझे नहीं पता, पर मैं एक क्लू बता सकती हूँ। देखो, इसमें क्वीन का क्राउन है। मतलब ये क्वीन ने भेजा है? हो वाओ, मतलब मम्मी पिक के लिए क्वीन की तरफ से लेटर आया है। ये तो बहुत शानदार बात है। डेजी, वैसे इस लेटर पे लिखा क्या है? ये एक इनविटेशन है क्वीन की तरफ से मम्मी पिक को। किस चीज का इनविटेशन? मुझे लगता है कि प्लैटिनम जुबली गार्डन पार्टी के लिए क्वीन मम्मी पिक और उनके फ्रेंड्स को इनवाइट कर रही है। ये प्लैटिनम पार्टी जुबली गार्डन क्या होता है? ये प्लैटिनम जुबली गार्डन पार्टी होता है लिली। ये एक स्पेशल पार्टी होता है क्वीन अपने 70 इयर्स क्वीन बनने की सेलिब्रेशन करती है। इसलिए कॉल कर रही है क्योंकि इनविटेशन में लिखा था ना कि मम्मी पिग और सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। सब कितने खुश है ना पार्टी में जाने के लिए। हाँ, देखो, अभी पेपर रबी का रैबिट, सूजी शेप, डैनी डॉग और फ्रेडी फॉक्स से बात कर रही है। इसे वो बोल क्या रही है? वो अपने दोस्तों को इनवाइट कर रही है प्लैटिनम जुबली गार्डन पार्टी में। अरे, ये तो वही रेड बस है ना जो लंदन में क्वीन की थी। हाँ, अब क्वीन तो रॉयल है, मतलब क्वीन की पार्टी भी रॉयल होगी। हाँ, तभी तो उन्होंने मम्मी पिक के फ्रेंड्स के लिए रॉयल बस भेजी। हाँ, अपने रॉयल पार्टी के लिए रॉयल बस। देखो, मम्मी पिक और डैडी पिक, पेपा, जॉर्ज कितने अच्छे से तैयार होके जा रहे हैं। हाँ। और कितना सारा सामान लेके। हाँ, पर ये सामान लेके जाना जरूरी है। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि हम कभी भी किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। वो सब आ गए। हाँ, कितने खुश लग रहे हैं सब। ये लोग पैलेस जा रहे हैं रॉयल पार्टी के लिए। देखो लिली, कुछ लोग तो पहले से ही यहाँ थे। शायद वो क्वीन के साथ पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। हाँ, और हमारे फ्रेंड्स भी बहुत एक्साइटेड है। सब पैलेस पहुँच गए। अब इतने बड़े महल में वो लोग जाने वाले हैं। ओह, पर पार्टी में कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद क्वीन भूल गई। नहीं लिली, ऐसे नहीं भूल सकती। उस लेटर पे डेट अलग हो गया था। वो डेट कब की थी? डेट कल की थी, पर उन्होंने आज की कर दी। आज पार्टी नहीं हो सकती। पता नहीं लिली, देखते हैं। देखो, सारे कितने हैरान लग रहे हैं। अब क्या होगा डेजी? देखते हैं। ये तो पार्टी हो रही है। सामान की पार्टी कैसे हो सकती है डेजी? तुम्हें दिख नहीं रहा, इतने सारे सामान है इधर। ये कब आए? ये तो फ्रेंड्स अपने साथ ही लाए थे। रेबिका रैबिट की मम्मी ने इतना बड़ा पिकनिक हेल्ड करा था। और फ्रेडी फॉक्स ने? शायद उसने ये चेयर्स और टी पॉट्स पैक करे थे। ओ, और ये ट्री बॉक्सेस गार्डन गेम्स। कि
कितना मजेदार है ना? पर ये कौन लाया? ये सूजी शिकाई। कितना शानदार पार्टी हो रही है। वाओ, डेकोरेशन भी हो गया। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। अब सब कुछ है। हाँ, देखो क्वीन मम्मी पिग को अवार्ड दे रही है। ये अवार्ड किस लिए दे रही है? क्योंकि मम्मी पिग ने जो बुक लिखा था वो क्वीन को बहुत पसंद आया। ओह, ये क्या बारिश! लिली, क्या ये पार्टी खराब हो गई? नहीं डेजी, ये बहुत खुश दिख रहे हैं मडी पडल्स के साथ। ओह मडी पडल्स, ये रॉयल पार्टी मडी पडल के बिना रॉयल नहीं होती। और बिना मम्मी पिग के फ्रेंड्स की हेल्प की। हाँ, देखो सब कितने खुश हैं। सब घर वापस आ गए। हाँ, और शाम को सब टीवी देख रहे हैं। टीवी में वो लोग क्वीन का स्पीच देख रहे हैं। हाँ, शायद क्वीन अपना स्पीच प्लैटिनम जुबली पार्टी के ऊपर दे रही है। हाँ, वो तो देगी क्वीन स्पीच, क्योंकि क्वीन बहुत खुश थी और मम्मी पिग और उनके फ्रेंड्स ने और खुश कर दिया क्वीन को। हाँ, उनकी मदद करके सबको रॉयल पार्टी बहुत पसंद आई। इनफैक्ट हमें भी। तो दोस्तों, स्टोरी खत्म हुई। कैसे लगी आपको? हाँ डेजी, मुझे ये स्टोरी बहुत मजेदार लगी। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको और स्टोरी सुननी है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हो बटर टेल्स में। बाय बाय।